नमस्कार दोस्तों, रिलायंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे ये विनती कि इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले, साथ ही नीचे अंकित बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत ही उसकी सूचना अपने नोटिस बार पर मिल जाए। चलिए आज हम देखेंगे IPC इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860 का प्रथम अध्याय। आज हम इस पे थोड़ा सा इसका एनालिसिस करेंगे कि यह लॉ कैसे बना और इसमें हमें पढ़ना क्या है। तो देखिए, मैंने इसमें लिखा हुआ है यहाँ कुल इसके अंदर 23 अध्याय हैं और धाराओं की संख्या 511 है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भारतीय दंड संहिता का विकास कैसे हुआ। तो आप सभी को मालूम है कि भारतीय दंड संहिता या भारत में बने वर्तमान में प्रचलित लगभग सारे कानून अंग्रेजों के शासन के पश्चात ही बने और अंग्रेजी शासन प्रणाली की ही हमको देन है, जिन पर हमने समय समय पर अपडेट किया और अपने अनुरूप इनको ढाला। तो इसी तरह भारतीय दंड संहिता भी 1860 की बनी हुई है हमारे यहाँ, परंतु ये प्रचलन में कैसे आई, 1860 तक हमारा शासन कैसा चल रहा था, इस बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि हमने इस दंड संहिता को बनाने के बारे में क्यों सोचा। तो जैसा कि आपको मालूम है 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला और उन लोग वो भारत आए। भारत आने के पश्चात सन 1668 ईस्वी में बंबई की में इंग्लिश दंड विधि लागू हुई, जब उन लोगों ने बंबई को खरीद लिया, बंबई पे उनका राज स्थापित हुआ, तो उन्होंने सबसे पहले 1668 में बंबई में इंग्लिश दंड विधि, उन लोगों से आशय ब्रिटिशियर्स से है, ब्रिटिश लोगों ने इंग्लिश दंड विधि लागू की। इसके पश्चात भारत में एक सुव्यवस्थित दंड व्यवस्था की शुरुआत करने वाले थे वॉरेन हेस्टिंग्स, इन्होंने भारत में दंड व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया। 1772 में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना की गई और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया, जिसमें पहली बार भारत में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। इस सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय की अपील केवल और केवल इंग्लैंड में महारानी के न्यायालय में ही की जा सकती थी। उसके पश्चात 1861 में हाईकोर्ट अधिनियम बनाया गया और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को केवल और केवल 1861 में हाईकोर्ट अधिनियम द्वारा ही प्रतिस्थापित किया गया, तब तक यही लागू रहा। 1781 में प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना हुई, मतलब प्रांत में भी न्यायालय स्थापित किए गए। उसके पश्चात 1793 में कॉर्नवालिस संहिता आई, जिसके तहत अधिकारों को थोड़ा और बढ़ाया गया और 1834 में भारतीय विधि आयोग का गठन लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया। इसी के साथ इस विधि आयोग ने ही 14 अक्टूबर 1833 को गवर्नर जनरल को एक विधि बनाकर प्रेषित की। बाद में इस विधि में बेथ्यून और पीकॉक ने कुछ अपडेशन किया, इसमें कुछ सुधार किया और इस संशोधित विधि को फिर 6 अक्टूबर 1860 में विधान मंडल के द्वारा पारित किया गया। इस तरह विधानमंडल द्वारा पारित विधि 1 जनवरी 1862 को संपूर्ण भारत में इंडियन पैनल कोड 1860 के नाम से लागू हुई और यही लागू विधि आज भी कुछ चेंज के साथ हमारे सामने प्रस्तुत है। अगर हम देखें इस संपूर्ण भारतीय दंड संहिता 1860 को अगर पढ़ें और देखें तो यह मूलतः हमें दो भागों में बटा हुआ मिलता है, एक है सामान्य सिद्धांत और दूसरा है इसका विनिर्दिष्ट अपराध। सामान्य सिद्धांतों में हमें आपराधिक विधि के मूल सिद्धांत की अपराध क्या है, ये कैसे घटित होते हैं, इसके बारे में दी गई है और इसकी अधिकारिता का क्षेत्र क्या है, इस बारे में बताया गया है। वही विनिर्दिष्ट अपराध, अपराध की श्रेणी क्या है, अपराध कौन कौन से हैं और इनके लिए दंड क्या सुझाए गए हैं, इस बारे में बताता है। अगर मैं बात करूं सामान्य सिद्धांतों की तो इसमें कुछ अपवाद भी शामिल है जिन्हें की सामान्य अपवाद कहा गया है। इसमें मुख्यतः थोड़ा सा अभी से नोट कर ले मैं जो बोल रहा हूं, इसमें निम्न अध्याय समाविष्ट है। इसमें सामान्य सिद्धांत में प्रस्तावना, पहला प्रस्तावना जो कि अध्याय एक है, इसमें धारा 1 से लेकर 5 तक समाविष्ट है। वहीं दूसरा है इसका सामान्य स्पष्टीकरण, जिसमें अध्याय 2 शामिल है, जिसमें धारा 6 से लेकर 52 ए
तक की धाराएं शामिल है। वहीं तीसरा है इसका विभिन्न दंड जो अध्याय 3 है, इसमें धाराएं 53 से लेकर 65 तक की धाराएं सम्मिलित है। वहीं इसका चौथा है सामान्य अपवाद, जिसमें अध्याय 4 का हिस्सा, जिसमें धारा 76 से लेकर 106 तक की धाराएं सम्मिलित है। वहीं इसका पांचवा है दुष्प्रेरण अबेटमेंट, जो अध्याय 5 है, इसमें धारा 107 से लेकर 120 तक की धाराएं सम्मिलित है। वहीं इसका छठवा है आपराधिक षड्यंत्र, जो अध्याय 5A है, 5 का है, और इसमें धारा 120 का व 120 खा शामिल है। वहीं इसमें सातवां है अपराध कारित करने के प्रयास, जो इसका अध्याय 23 है। देखिए इसके बाद सीधा अध्याय 23 है, जिसमें धारा 511 सम्मिलित है। इस तरह इसके 7 उपभाग हैं, किसके, जो सामान्य अपवादों में शामिल है। वहीं भारतीय दंड संहिता में वर्णित विनिर्दिष्ट अपराधों को निम्न 6 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ये 6 वर्ग आप सुन लें। पहला, राज्य तथा सेना, जल सेना एवं वायु सेना के विरुद्ध अपराध। वहीं दूसरा है लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध। वहीं इसका तीसरा है मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध। वहीं इसका चौथा है संपत्ति के विरुद्ध अपराध। वहीं इसका पांचवा है विवाह संबंधी अपराध, तथा छठवा है मान हानि से संबंधित अपराध। इस तरह अब हम अगले वीडियो में इन्हीं चीजों को वन बाय वन पढ़ेंगे। हमारा पहली शुरुआत होगी प्रस्तावना से। सभी कानूनों का पहला अध्याय प्रस्तावना होता है, और दूसरा होता है उसकी परिभाषाएं या व्याख्या। कल हम इस पर वन बाय वन इसको पढ़ना प्रारंभ कर लेंगे। मैंने आज जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, इन्हें नोट कर लीजिए। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही उपयोगी हैं। कल हम भारतीय दंड संहिता को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। आज तो केवल मैंने महत्वपूर्ण बातों पर ही चर्चा की है। इसके साथ ही आज यहीं हम अपना अध्याय समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।